बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी आपका मुअल्लिम तजम्मल हुसैन बहिफ्ज़ो अमान इंशाअल्लाह अभी तक मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी सही, ठीक और सेहतमंद रहेंगे। आज हम जो सिलसिला है वली दकनी की शेरी जमालियात, उसकी चौथी कड़ी और आखिरी कड़ी और आखिरी लेक्चर की तरफ आ गए हैं। तो आपको जैसे ही मैं पहले बयान करता रहा हूँ, तो लेक्चर नंबर 1 से लेके 4 तक का जो हमने सफ़र किया, इस पूरे लेक्चर्स के सफ़र में हमने दकन, दकन की तहज़ीब, दकन की ज़बान, दकन का मुआशरा, वहाँ के शोरा और वो सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर जो हमारा लेक्चर नंबर 3 तीसरी कड़ी इस टॉपिक की थी, उसमें हमने वली दकनी का पूरा तारुफ़, उसकी पहचान, उससे रिलेटेड जितनी भी ज़रूरी मालूमात वो और फिर उसकी शेरी जमालियात वो हमने पढ़ी। अब इसकी चौथी और आखिरी कड़ी की तरफ मैं आपको लेके आया हूँ और हसब रिवायत वाइट बोर्ड जो है वो पहले से मुजैन है, उसको भी मैंने 3 हिस्सों में जो है वो तकसीम कर दिया है। एक हिस्सा नंबर 1 जो है वो शेरी रंग है, यानी वली दकनी की मुख्तलिफ मौजूआत पर उनकी शायरी का जो रंग है वो किस तरह से था वो दिखाया। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो मैंने यूँ बनाया है आपके सामने कि नकाद जो है वो किस तरह से वली दकनी को कैसा शायर मानते हैं और उसकी क्या खूबियाँ, क्या अच्छाइयाँ या क्या बुराइयाँ सामने लेके आते हैं। तो ये किसी भी फ़न के फ़न या फ़नकार उसकी कामयाबी या नाकामी जो है उसका तायुन नकाद करते हैं, तो नकाद भी इंतहाई बहुत जो है ज़रूरी होते हैं और बहुत अहम होते हैं। तो इसलिए वली दकनी के ऊपर नकाद की क्या राय है वो भी मैंने कुछ नकाद सामने रख दिए, कुछ अशार रख दिए हिस्सा नंबर 1 में, कुछ नकाद रख लिए, और तीसरे हिस्से में ये बताया है कि वली दकनी की शायरी के साथ जो वली दकनी ने शायरी की, जो उन्होंने रविश अपनाई, उसके उस वक्त के ऊपर क्या शोरा के ऊपर क्या असरात थे, क्या असरात आए, और फिर साथ साथ ख़ुद जो है शायरी या उर्दू पर उसके क्या असरात आए। तो आज का ये लेक्चर इंतहाई ज़रूरी था, नकादी भी और असरात भी। तो इस बिना पे मैं आपको इस टॉपिक वली दकनी की शेरी जमालियात की चौथी कड़ी की तरफ लेके आया और आज हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। इससे अगला जो लेक्चर होगा वो दूसरे टॉपिक पर, दूसरा जो उनवान है उस पे चलेंगे। सबसे पहले शायरी रंग, वली दकनी की शायरी में किस तरह के और कौन कौन से रंग थे, खसूसियात मैंने आपको पिछले ही इसके लेक्चर में बयान कर दी थी, तो आज उनकी शायरी के रंग देखते हैं। नंबर 1 पे है हकीकत, इश्क की हकीकत पर शायरी। इश्क हकीकत है, इससे कोई इनकार तो नहीं किया जा सकता, उस पे शायरी वली दकनी ने किस अंदाज से की, तो उसमें शेर मैंने लिख दिया है, खूबरू खूब काम करते हैं, खूबरू खूब काम करते हैं, यक निगाह से ग़ुलाम करते हैं। यानी एक वली दकनी का यहाँ से अकीदा नज़र आता है कि वो कहते हैं जो महबूब होता है वो खूबसूरत होता है, प्यारा होता है, और इतना वो असर डालता है कि जो उसका आशिक होता है वो उसका ग़ुलाम सा बन जाता है। तो यहाँ इश्क की हकीकत का बयान करते हुए वली दकनी नज़र आते। दूसरी ख़ूबी में हुस्न और इश्क, इस पे अपनी शायरी में किस तरह से वली दकनी ने हुस्न को बयान किया या इश्क को बयान किया, तो उसमें पहले शेर मैंने जो लिखा है, आज तेरी निगाह ने मस्जिद में, आज तेरी निगाह ने मस्जिद में होश खोया है हर नमाजी का। इसी तरह दूसरे शेर में हुस्न के खिजर ने किया लबरेज़, हुस्न के खिजर ने किया लबरेज़, आबे हवा आबे हवा से जाम तुझ लब का। तो यहाँ भी उन्होंने इश्क और हुस्न को वाज़े अंदाज से बयान करने की कोशिश की। तीसरी जो चीज़ उनकी शायरी में मैंने यहाँ ली है वो है इश्क के नताइज, यानी अमूमन
अगर मैंने आपको पिछला लेक्चर जो दिया है उसको अगर आपने जहन में रखा हो तो मैंने कहा था कि वली दकनी की शायरी में मायूसी नहीं है, गम नहीं है, अलम नहीं है, दर्द नहीं है, तो इश्क के नताइज तो अमूमन पुर दर्द होते, अलम होता है उसमें, और इश्क की नाकामी के असरात जो शोरा बयान करते हैं। वली दकनी ने इस इश्क के नताइज को किस तरह से बयान किया, पहले शेर में, मुस्तरिब इश्क से हों मुझको मलामत न करो, तपेशे दिल ने दिया रिश्ता ए सीमाब मुझे, और दूसरे शेर में, इश्क के हाथ से हुए दिल रीश, जग में क्या बादशाह न क्या दरवेश। यानी कहता है कि इश्क एक ऐसी चीज़ है जिससे बादशाह तो बादशाह, कोई फ़कीर, कोई भिखारी, कोई दरवेश भी महफूज नहीं रहा, तो फिर वली तू कैसे महफूज रह सकता। तो बड़ा खूबसूरत अंदाज से इश्क के नताइज को जो है वो बयान करते हैं, और ये भी बताते हुए नज़र आते हैं कि बादशाह भी दरवेश बन सकता है और दरवेश भी बादशाह बन सकता है। यानी बादशाह जो है वो गुरबत में चला जाता है किसकी बिना पे, इश्क की बिना पे। चौथा जो हुस्न है वो दिखाया है उन्होंने, वली की माशूक ख़ास अदाओं की मालिक। यानी वली का जो महबूब है उसमें ख़ास अदाएँ हैं। खैर वली हुस्न जमाल के शायर तो थे ही सही, और उसने अपने जो महबूब है उसकी खूबसूरतियाँ, अदाएँ, रौनकें वो बयान तो की। अब उनमें क्या अंदाज़ था उसके नमूने के मैंने दो तीन अशार लिए हैं। पहला शेर है, गज़ब है चेहरा रंगी बहार नाज़ो अदा। यहाँ चेहरे की जो है वो तारीफ़ हो रही है। गज़ब है चेहरा रंगीन बहार नाज़ो अदा, बहार हुस्न से लालाजार नाज़ो अदा। फिर दूसरे शेर में कहते हैं, देख इसकी कुला बारानी चांद पर आज अब्र आया है। यानी उसको देख के चांद पे अब्र आ गया, बादल। और तीसरे शेर में कहते हैं, मौज दरिया की देखने न जा, देख इस जुल्फ अंबरी की अदा। यानी तूने दरिया की मौज देख के क्या करना है, महबूब की जुल्फ को देख, जो मेरा महबूब है उसकी जुल्फ में यही नज़ारा है। तो ये कमाल है खुद का। पांचवीं चीज़, वली दकनी महबूब का मुतलाशी, मुतलाशी तलाश करने की, यानी महबूब को तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है, तो किस तरह से, सब तुम्हारे हैं शिफा बख्श वली है बीमार। सब तुम्हारे हैं शिफा बख्श वली है बीमार, हैफ सद हैफ के इस वक्त में दरमा न करो। और फिर वली का तसव्वुर गम, जो कि मैं कहता हूँ कि वली के कलाम में तसव्वुर गम बहुत मतलब नायाब था, नहीं था, अगर है तो किस तरह से है। गम के तसव्वुर को कैसे बयान करते हुए नजर आते, इश्क में लाजिम है अव्वल ज़ात को फ़ानी करे। यानी इश्क की पहली डिमांड, ज़रूरत, मुतालबा यही है कि ज़ात को मिटाओ। इश्क में लाजिम है अव्वल ज़ात को फ़ानी करे, हो फनाओ फिल्ला दाइम याद यजदानी करे। और दूसरा शेर, शुगल बेहतर है इश्कबाजी का, शुगल बेहतर है इश्कबाजी का, क्या हकीकी हो क्या मजाजी का। यानी जो इश्क का शुगल है वो इश्क ही है, इसमें हकीकी मजाजी कोई फ़र्क नहीं, इश्क इश्क होता। तो ये मैंने कोई छः पॉइंट से, छः नकात से आपको वली दकनी की शायरी का एक रमज, एक अक्स दिखाने की कोशिश की है। अब पॉइंट नंबर दो, दूसरा जो नुक्ता है हमारा वो है कि वली दकनी के बारे में नकात क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये बात आपके जहन में आ जानी चाहिए भी कोई भी फन पारा होता है, कोई भी शायरी की किताब है, नसर की है, नावल है, ड्रामा है, अफसाना, उस पर एक ऐसी इल्म वाली ज़ात, शख्सियत जो है वो नकादी करते हैं जिनका इल्म इंतहा का होता है। और वो फिर नकाद का मतलब है इनकी जो है तसहीह कराना अगर कहीं गलती रह जाए। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि इसके अंदर कौन सी खूबी है, यानी तनकीदी तौर पे एक जायज़ा लेते हैं कि कलाम के अंदर या कुतुब के अंदर कौन सी खूबियाँ, कौन सी खामियाँ, कौन सी अच्छाइयाँ, कौन सी बुराइयाँ हैं। तो उनका जो पैमाना लगाने वाला शख्स होता है उसको नकाद कहते हैं। अब यहाँ मैंने तीन नकाद लिए हैं
जो कि वली दकनी के शायरी पे या उनके कलाम की खसूसियात के बारे में बताते हुए आपको नज़र आएंगे। उन तीन नकादों में पहले पहले हैं नूरुल हसन हाशमी, दूसरी हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और तीसरी हैं डॉक्टर नसीरुद्दीन हाशमी। सबसे पहले जी नूरुल हसन हाशमी की क्या राय है वली दकनी के बारे में, तो जनाब कोटेड वर्ड्स हैं उनके, शुमाली हिंद में अमूमन और दिल्ली में खसूसन उर्दू गज़ल गोई का रिवाज वली दकनी की बदौलत हुआ। यानी ये गोया नूरुल हसन हाशमी जो हैं वो ये एतराफ़ कर रही हैं कि शुमाली हिंद और दिल्ली में ख़ास तौर पर उर्दू गज़ल की बुनियाद रखने वाली जो शख्सियत हैं वो कौन है, वली दकनी है। दूसरे नंबर पे जी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद वली दकनी के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या नकादी पेश करते हैं। वो कहते हैं वली ने इसे वो रोज़ बख्शा, यानी उर्दू के बारे में कह रहे हैं, वली ने इसे वो रोज़ बख्शा कि आज हिंदी शायरी नज़्म फ़ारसी से एक कदम पीछे नहीं। अच्छा जी ये क्यों कहा, क्योंकि उस वक्त जो थी फ़ारसी में सारा कलाम शायरी नसर हो रहा था और उस वक्त वली ने एक ऐसी ज़बान का इंतखाब किया जो कि अमूमन सिर्फ बोल चाल में थी, उर्दू शायरी में नहीं थी। एक ऐसी ज़बान का इंतखाब करना और फिर अपने आप को कामयाब शायरों में भी शामिल कर लेना, ये एजाज़ की बात है। तो आज़ाद जो है यही कह रहे हैं कि वली ने इसे वो रोज़ बख्शा, यानी उर्दू को, कि आज हिंदी शायरी नज़म फ़ारसी से एक कदम पीछे नहीं, यानी फ़ारसी के बिल्कुल बराबर आ खड़ी है। हालांकि फ़ारसी उम्र में उर्दू से ज़्यादा है, हिंदी यहाँ इसीलिए उन्होंने कहा, उम्र में ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है वली की कावशों से, वली की कोशिशों से वो उसके फ़ारसी के क्या आ खड़ी है, बराबर आ खड़ी है। तीसरे नकाद जो है वो है डॉक्टर नसीरुद्दीन हाशमी, वो वली के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं वली के बारे में ये कहना कि उर्दू का पहला शायर था बिल्कुल सही नहीं है, यानी ये कह देना कि वली दकनी ही उर्दू के पहले शायर थे तो ये गलत नहीं है। हाँ अगरचे मुख्तलिफ अंदाज से वली दकनी उर्दू के पहले शायर भी नहीं है, और आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने ये बात बोली थी कि उर्दू को शायरी की ज़बान में सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले अमीर खुसरू थे और उन्होंने भी मिसरे के तौर पर इस्तेमाल किया था पूरी गज़ल में, यानी एक मिसरा उर्दू का था तो एक फ़ारसी का था जो कि फ़ारसी के शायर थे। और डॉक्टर नसीरुद्दीन हाशमी क्या कहते हैं वली दकनी के बारे में, वो कहते हैं वली के बारे में ये कहना कि उर्दू का पहला शायर था बिल्कुल सही नहीं है, मगर उर्दू गज़ल में वली का किरदार ज़रूर है। यानी उर्दू वली दकनी जो है उर्दू के पहले शायर नहीं है, लेकिन उर्दू की डेवलपमेंट, तरक्की, इसकी पहचान, इसको शायरी में लाना और इसका एक मियार और वक़ार बनाना वो वली के बग़ैर मुमकिन नहीं था। और फिर कहते हैं वली के बाद ही शुमाली हिंद में वली के बाद ही उर्दू शायरी का आम तौर पर आगाज़ हुआ, यानी शुमाली हिंद जो था उसमें वली के बाद ही उर्दू के अंदर शायरी की गई, वरना तो लोग उर्दू को सिर्फ बोल चाल की ज़बान समझते थे और करते थे वो भी हल्की सी, और उसको शायरी में कोई इज़्ज़त या मकाम नहीं दिया हुआ था। तो वली के बाद ही उर्दू को शायरी के अंदर मकाम मिला। तो ये हमारे दो जो पॉइंट हैं वो मुकम्मल हुए। तीसरा जो हमारा नुक्ता या पॉइंट है वो है जी वली दकनी की शायरी के जो हैं वो असरात। यानी वली दकनी ने जब उर्दू के अंदर ये शायरी की तो उसके बाद उर्दू ज़बान, वली की शायरी किस तरह से बरे सगीर के अंदर जो है एक मकाम बना गई और उसके बाद इसके असरात क्या क्या हुए वो अब हम इस हिस्से में देखेंगे। तो नंबर एक, सबसे पहले वली दकनी की शायरी के जो है क्या असरात हुए, वो नंबर एक शुमाली हिंद उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ की तकलीद और तहरीक पर हुआ। यानी शुमाली हिंद में, शुमाली हिंद के जो लोग थे वो उर्दू में शायरी नहीं करते थे, सिर्फ वली दकनी की ही बिना पर वली दकनी की तकलीद करते हुए, वली दकनी की कामयाबी को देखते हुए वहाँ के शौरा ने वली दकनी की तकलीद भी की
और यूँ तहरीक भी बन गई उर्दू पे शायरी करने की, तो ये सहरा जो है वो वली दकनी को जाता है कि उसने शायरी की ज़बान उर्दू को बनाया और लोगों को इस तरफ जो है ना अरबी और फ़ारसी से हट के इस तरफ लाने की कोशिश की, जबकि उस वक्त फ़ारसी की शायरी अरूज पर थी। दूसरा नुक्ता वो है जी, वली से कबल शुमाली हिंद के शुरा फ़ारसी में शायरी करते थे, जो कि मैं पहले बयान कर गया, यानी वली से पहले शुमाली हिंद के जितने भी शुरा थे वो अपनी शायरी फ़ारसी ज़बान में करते थे, और उर्दू में जब वली ने की और वली की पज़ीराई भी हुई और वली इतने मशहूर भी हो गए, तो फिर उन्होंने सोचा कि हम भी उर्दू में ही कलाम अपना लिखें, और उसके बाद उन्होंने उर्दू के अंदर कलाम लिखना शुरू किया। तीसरा जो नुक्ता है वो है ये, उर्दू सिर्फ बोल चाल की ज़बान, जो कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, और सनद का मर्तबा जो था वो फ़ारसी में ही फ़ारसी ही था, यानी लिखाई की जो ज़बान थी, सनद का मतलब है तहरीर लिखना, लिखाई की जो ज़बान समझी जाती थी, शायरी की जो ज़बान समझी जाती थी, अदब की जो ज़बान समझी जाती थी, वो फ़ारसी ही थी उस वक्त। उर्दू को सिर्फ बोलचाल की ज़बान पे लिया जा रहा था, जो कि वली दकनी ने जब इसे शायरी में इस्तेमाल किया और इस तरह से उन्होंने जो है एक रविश अपनाई शोरा में, और शोरा ने फिर वली दकनी की तकलीद की, तो फिर उर्दू को शायरी में इस्तेमाल किया जाने लगा, वरना सनद की ज़बान जो थी वो पहले फ़ारसी थी, उर्दू सिर्फ बोलचाल की ज़बान के तौर पर मौजूद थी। चौथा जो असर था, जो शोरा उर्दू शायरी करते थे वो सिर्फ तब्दील जायका के लिए करते थे। अच्छा, एक दिलचस्प बात इसमें यह है कि शायर उर्दू की तरफ तो आ गए, लेकिन इस तरह से कि जैसे एक शायर सारी गम वाली शायरी करता और एक दो फनी शेर लिख ले, और उसका मतलब भी यही हो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना, तो वो जो शायर थे वो उर्दू को शायरी के सिर्फ में लाए भी सही, तो सिर्फ ये है कि जायका बदल लिया जाए, जैसे खाना रोज़ाना एक जैसा नहीं बनाया जाता, तब्दील करके एक दिन और एक दिन और उससे अगले दिन और फिर वापसी तीसरे या चौथे दिन उसी खाने की उसी सालन की बारी आती है जो पहले दिन आपने खाया होता, तो मतलब क्या होता, जायका तब्दील करना। तो उस वक्त के जो शोरा थे वो भी उर्दू को शायरी में ले आए, लेकिन सिर्फ इसी बिहाफ पे, सिर्फ इसी लिहाज से कि सिर्फ इसी सोच से कि चले थोड़ा सा जायका तब्दील कर लिया जाए, तो वो ये सोचते हो। पांचवीं चीज़, जो पांचवां असर हुआ, वली दकनी ने उर्दू को शायरी में इस्तेमाल किया, लोग वली दकनी की कामयाबी को देखते हुए उर्दू की तरफ आए, लेकिन वो भी अभी जहन में यही लिए हुए थे कि सिर्फ जायका तब्दील करना है। दीवान वली के साथ एक और इनकलाब बरपा हो गया। अच्छा, तो दीवान जो है किसी भी शायर की मुकम्मल शायरी का इकट्ठ जो है उस किताब को दीवान कहा जाता है। जैसे ही वली दकनी का दीवान आया फिर तो इनकलाब बरपा हो गया जी, लोगों की सोचें बदल गईं, लोगों की तर्ज बदल गए, और लोग वली दकनी को तकलीद करना शुरू हो गए, और उन्होंने जो जायका के तौर पर अपनाई थी ज़बान उसे अब मामूल की और जो शायरी की ज़बान का दर्जा बनाते हुए जो है उसको अपनाना शुरू कर दिया। और वली दकनी की दीवान के आने के साथ ही घर घर शायरी का चर्चा होने लगा, वली दकनी बहुत मशहूर होने लगे, और ये मैंने लेक्चर पिछले में भी बात बताई थी कि वली दकनी की शोहरत को देख के ही जो दिल्ली के शायर थे वो तो ज़रा मुतासिब टाइप के थे, वो वली दकनी के जो है ना मुखालिफ हुए, और उन्होंने कुछ ऐसी भी जो है नज़रियात जो बना दिए या पैदा कर दिए जिससे उनका ख्याल था वली दकनी की इज़्ज़त या शोहरत को कम करना। उसके बाद जी अगली जो पेशरफ्त हुई, उर्दू शायरी में आ गई, शायरी के वली की शायरी के घर घर चर्चे होना शुरू हो गए, वली की शायरी से इनकलाब आना शुरू हो गया, लोगों की सोचें बदलने लगी, यहाँ तक कि पॉइंट नंबर 7 में मैंने लिख दिया कि कवाल जो कवाली पढ़ते थे उसमें वो वली दकनी की गज़लें पढ़ना शुरू हो गए, तो वली दकनी की जो शायरी थी वो इतनी मकबूल हुई कि कवाल लोगों ने वली की गज़लें पढ़ना शुरू कर दी, और यूँ अपनी पज़ीराई के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। आठवां पॉइंट, वली की गज़ल गोई ने उर्दू की तहरीक पैदा कर दी। साफ ज़ाहिर है उर्दू
को बेहतर बुनियादों पे लाने, उर्दू को मशहूर कराने, उर्दू को जो है ना शायरी में लाने और रोज़मर्रा की बोलचाल की ज़बान से हटके एक मज़बूत ज़बान बनाने में वली दखनी का बहुत ही बड़ा किरदार है। तो ये एक तहरीक पैदा हो गई, उर्दू ज़बान से मोहब्बत यूँ लोगों की बढ़ना शुरू हो गई। नवें पॉइंट में मैंने लिखा है कि वली के ये असरात जो हैं वो किन किन शोरा में नज़र आते हैं। तो जनाब मीर तकी मीर, आबरू, हातिम और फायज़, ये ऐसे शोरा हैं जिनके सॉरी जो 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 है मीर के असर को लेते हुए नज़र आते हैं। तो मीर के असरात जो है इनमें नज़र आते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज़ से। और जितने भी शोरा हैं ये ऊपर वाले मीर, आबरू, हातिम और फायज़, जो मीर की जितनी भी ज़मीनें थी गज़लों की उनको इस्तेमाल करते हुए ये शोरा मिलते हैं, यानी मीर की ज़मीनों को इन्होंने इस्तेमाल किया। और 11वां पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया कि उर्दू में वली एक मिशल बरदार है, यानी शमा उठाए हुए हैं। ये शमा मिशल बरदार वो होता है कि जो अंधेरे में दूसरों को रोशनी देता है, और वली अंधेरे में दूसरों को रोशनी देने वाला इस तरह से है कि वली ने लोगों को ये शऊर दिया, ये उनके जहन में डाला कि सिर्फ फारसी शायरी की ज़बान नहीं है, उर्दू भी है, और यूँ उर्दू की तरफ उनको ले आने वाला जो है वो शमा बरदार है और वो वली दखनी है। और 12वां और आखिरी वली की शायरी के असरात में पॉइंट जो मैंने लिखा है, वली के हाथों उर्दू गज़ल को निया मिजाज और निया आहंग नसीब हुआ। तो इसमें कोई शक नहीं है, नया मिजाज दिया, नई सोच दी, और इस सोच को फिर आगे लेके चले और आने वाले शोरा। तो ये तहरीक पैदा करने का जो खासा है, जो सेहरा है, वो वली दखनी को जाता। और इस सिलसिले में अगर मैं आपको आखिरी पॉइंट की तरफ ले जाऊं तो वो है कि वली के हम असर, यानी वली के उस दौर के साथ के जो शोरा थे वो कौन कौन से थे, उनके नाम क्या थे। तो यहाँ मैंने 8 शोरा को मुतारफ़ करवाया जो कि शायद पिछले उन लेक्चर्स के अंदर मैं आपको इंट्रोड्यूस इनसे नहीं करा सका। उनमें नंबर 1 पे अशरफ गुजराती, नंबर 2 पे आजिज, नंबर 3 पे ज़ईफ़ी, नंबर 4 पे साहले, नंबर 5 पे ज़ौकी, और नंबर 6 पे सादिक औरंग आबादी, नंबर 7 पे शेख महमूद अबरी, और नंबर 8 पे उजलत। अच्छा जी, ये तो मैं खैर आपको पहले ही बता चुका हूँ, गुजराती जो है वो गुजरात के रहने वाले की बिना पे, औरंगाबादी औरंगाबाद या जिसे हैदराबाद या अब जिसे हैदराबाद दक्कन भी कहते हैं उनसे मारूफ है। और वली दखनी के नामों में भी मैंने ये बात बताई थी कि वली दखनी को वली दखनी दक्कन का रहने वाले की बिना पर, औरंगाबादी वली औरंगाबादी क्योंकि वो औरंगाबाद में पैदा हुए थे, और वली गुजराती भी कहा जाता है क्योंकि उनकी वफ़ात गुजरात में हुई। तो ये मुख्तलिफ नाम वली दखनी के जो कि मैं पिछले लेक्चर में आपके सामने रख गया था, और ये सारा मवाद जो है मैंने आपको वली दखनी के हवाले से, जो हमारा पहला टॉपिक था कोर्स आउटलाइन में कि वली दखनी की शेरी जमालियत, तो उसको मैंने 4 लेक्चर पर मोहित करते हुए आपके सामने मुकम्मल कर दिया। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो टॉपिक नंबर 2 कोर्स आउटलाइन का होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कोशिश की है आपको वली दखनी, दक्कन, शोरा, हम असर और वली दखनी की शायरी का रंग, खसूसियात, नकादों की राय और इसके असरात जो हुए और उर्दू के लिए जो वली दखनी की खिदमात हैं, जो किरदार है, तो उसको काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डरी यानी बहुत हद तक मवाद मैंने आपको फराहम करने की कोशिश की है। और वो एक टॉपिक को मैंने 4 लेक्चर्स में जम किया और आपके सामने रखा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी ज़िंदगी रही तो फिर दूसरे टॉपिक के साथ और 5वें लेक्चर के साथ आपसे आपका मुअल्लिम अगले लेक्चर में मुलाकात करेगा। उस वक्त तक दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और इजाज़त दीजिए अपने मुअल्लिम तजम्मल हुसैन को। इंशाअल्लाह फिर नए लेक्चर के साथ, नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।